हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल सर्विसेज से। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि हम इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे, अगर यूके में अगर इंटरव्यू आ गई तो क्या करेंगे, अगर यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू है या एम्बेसी की इंटरव्यू। उन्होंने इसको बहुत बड़ा फोबिया बनाया हुआ है, जबकि ये कुछ भी नहीं है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं, बोलने में ठीक हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की भी या एम्बेसी की भी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं। तो आज मैं यही बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू की प्रेपरेशन कैसे करनी है और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज स्टार्ट करते हैं यूके की पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन वो यही पूछेंगे कि प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। तो उसमें आपने अपनी इंट्रोडक्शन ये बिल्कुल नहीं करना कि मैं सिंपल मैं नो, इसमें थोड़ी सी आपने इम्प्रेसिव बनानी है अपनी इंट्रोडक्शन कि आई एम ए वेरी एम्बिशियस पर्सन एंड मैं यूके ही क्यों जाना चाह रहा हूँ। वो भी इसमें हल्का सा उसका हिंट दे दीजिए कि मैंने 12th ये करी है, उसके बाद मेरे बहुत हाई एम है लाइफ में, मैं एम्बिशियस हूँ, तो इसलिए मैं अब फर्दर अपनी एजुकेशन, इंटरनेशनल एजुकेशन प्लान कर रहा हूँ ताकि मेरा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत बेटर रहें और मेरे जो गोल्स हैं वो बहुत हाई हैं। तो इसका आपने एक ऐसा इम्पैक्ट देना है कि इंट्रोडक्शन में ही आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ जाए। सेकंड क्वेश्चन वो पूछेंगे व्हाई यूके ओनली। तो जैसा कि ये क्वेश्चन से ही है कि आप यूके ही क्यों आना चाहते हो, तो उसका आपको आंसर देना पड़ेगा कि यूके एक स्टडी डेस्टिनेशन में अगर हम बात करें तो टॉप रैंकिंग में आता है। अगर हम वर्ल्ड का नंबर वन या नंबर टू स्टडी डेस्टिनेशन कहें तो गलत नहीं रहेगा, क्योंकि यूके में वर्ल्ड वाइज रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप गूगल भी करेंगे तो उसमें भी टॉप 100 में से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ गूगल भी यही दिखाएगा यूएस या यूके में है, जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भी टॉप पे आती हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्लस जो यूके की एजुकेशन है वर्ल्ड वाइज रिकॉग्नाइज्ड है। उसके बाद आप ये कहेंगे कि मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज में, तो ये मेरे सीवी में भी वैल्यू ऐड करेंगे। और यूके का फिर आप बता सकते हैं कि मल्टीकल्चरल है, मेरे को वहाँ पर नया कल्चर सीखने को मिलेगा, इंग्लिश कंट्री है, मेरी इंग्लिश बढ़ेगी, प्लस मुझे जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करके इसको बहुत बढ़िया से आप अपनी लैंग्वेज में बनाइएगा। कभी भी एक, हालांकि मैं इस वीडियो के एंड में आपके रेफरेंस के लिए कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ नीचे, लेकिन उसको आप अपनी लैंग्वेज में पॉलिश कीजिएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट अदर कंट्रीज यू हैव सर्च्ड। तो उसमें भी आपको अगेन एक्सप्लेन करना है कि मैंने जो पहले सिलेक्ट की थी कैनेडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तो फिर उसके आपने ड्रॉबैक्स बताने हैं कि मान लीजिए अगर आप यूके में जा रहे हैं तो कनाडा में क्यों नहीं, अगर मान लीजिए आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि इन कनाडा जो बैचलर है वो 4 years की है और सेकेंडली यहाँ पर 3 years की है, तो मेरा 1 साल भी बच रहा है और सेकेंडली मेरी 1 साल की ट्यूशन फी भी बच रही है, ठीक है। अगेन अगर आप यूएसए का कहते हैं कंपैरिजन, तो यूएसए के कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आपकी यहाँ की जो यूके की यूनिवर्सिटी अगर आपको स्कॉलरशिप दे रही है तो वो भी आप मेंशन कीजिए कि इन यूके आई एम गेटिंग दिस स्कॉलरशिप फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। और सेकंडली आप कहिए कि यूके की जो यूनिवर्सिटी है दैट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल, और अगेन यूएसए में भी बैचलर 4 years की है। इसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन भी दे सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ ये नहीं पॉइंट दीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी बैचलर्स 3 years की ही रहती है, तो वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो मुझे यही अफोर्डेबल लगा कि इसीलिए मैंने यूके सेलेक्ट किया। प्लस जो आप ये कह सकते हैं कि जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ की ऑस्ट्रेलिया के कंपैरेटिवली यूके की जो रैंकिंग है वो कंपैरेटिवली बेटर है, या कनाडा में भी कह सकते हैं उनकी रैंकिंग बेटर है, तो इसीलिए आपने जो यूके को चूज़ किया है तो इन कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली। तो इसका भी आप बहुत पॉलिश करके अच्छा सा आंसर बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद वो आपको पूछेंगे कि वाई नॉट इंडिया, कि आप इंडिया में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी आप कोर्स करने जाएंगे मोस्टली वो इंडिया में भी अवेलेबल है ही है सारे कोर्सेज। तो अगर तो आपका कोर्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है
तो आप उनको जरूर बताइए कि ये कोर्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर मान लीजिए वो अवेलेबल है तो आप अगेन वही इंडिया का कंपैरिजन दीजिए कि यहाँ पर जो स्टडी पैटर्न है वो बहुत ट्रेडिशनल वे से सेम ही चल रहा है, जबकि जो यूके में यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं वो बहुत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसमें वो साथ में ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, वर्कशॉप्स करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो ये सारे चीज़ जो भी आप यूनिवर्सिटी की रिसर्च करेंगे, सबसे ज़रूरी है आपकी रिसर्च, कि आपने रिसर्च करनी है कि आपने जब भी जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, जो भी प्रोग्राम चूज़ करें, ये नहीं कि कंसल्टेंट ने बोल दिया तो आपने प्रोग्राम ले लिया। नो, आप अपने लेवल पे भी इसकी रिसर्च करिएगा। जितना आपका रिसर्च वर्क बेटर होगा उतना ही आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इंटरव्यू क्लियर करने की, और जैसे आपने इसकी जो रिसर्च करी होगी आप उसी के कंपेटिवली वो पॉइंट्स साथ में एड ऑन कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन थे जो मेन क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद इसका मैं पार्ट टू भी बनाऊंगा, पार्ट टू में मैं आगे आपको बताऊंगा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसके रिलेटेड। तो ये पार्ट वन है, पार्ट वन में ये जो चार क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इनका मैं आंसर्स की जो हेडिंग्स है वो आपको नीचे दे रहा हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, लेकिन आप सेम टू सेम ये मत चेपिएगा, इसमें आप अपनी रिसर्च भी ऐड कीजिएगा। ये सिर्फ एक हिंट है आपको कि ताकि आप यूनिवर्सिटी या एम्बेसी के इंटरव्यू क्रैक कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल्स ओवरसीज। Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.